तो सर जी आपका नाम क्या पहले था? अलीमुद्दीन। करीबन एक साल से कर रहे धंधा। एक साल से कर रहे और इससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं नौकरी करते थे। तो ये बिजनेस करने में मजा आ रहा है, नौकरी में मजा था भाई? अपना बिजनेस करने में मजा आ रहा है इस नौकरी से, बट थोड़ा सही है कि अपना को कोई बोलने वाला नहीं है, अपना मन मन की राजी है, जब दिल किया तो गए, नहीं तो छुट्टी मार के आराम किए। मतलब आप बिजनेस में खुश है अपने, तो आपको अच्छा लगता है ऐसा? मतलब चाय बेचना करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, कोई तकलीफ नहीं आती है। तो भाई उठ के तैयारी कैसे करते हैं सब काम की? सुबह 8 बजे उठेंगे, उसके बाद में अपन चीनी वगैरह और मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अदरक, पुदीना सब लेके आएंगे, उसके बाद में सब कुछ मिक्सर में पीस के और फिर गैस पे चढ़ा देंगे। इसको खुद ही करते हैं, मतलब बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं। भाई चाय ठंडी नहीं होती? चाय नीचे सिगड़ी लगी है। आप देख सकते हैं सिगड़ी लगी, एकदम देसी जुगाड़ किया हुआ है। अरे वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत सही। लगभग खत्म कितने बजे बता दी? रात को 11 बजे। 11 बजे तो एक दिन में कितने कप चाय बेचते रहेंगे आपके हिसाब से, अंदाजा आपका? कप कितना कप होता है? 200-250 कप। 200 कप? हाँ। एक दिन में कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ता रहेगा इसके लिए? इसके लिए हमको करीबन 50-60 किलो करीबन चलना। कई बार ऐसा होता है कि आपको बिजनेस ना हो तो आपको कुछ दिलासा फील होती है? अरे तो सर फील होएगा तो क्या करेंगे, वो धंधे में तो कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। होता ही होता ही। आपके तो कस्टमर फिक्स बन गए होंगे सब मार्केट में? हाँ बन गए। क्या करते हैं अभी बिजनेस ना हो तो क्या करते हैं? बिजनेस नहीं होएगा तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो होते ही होएगा जाएंगे। जैसे आप जैसे कि दो नहीं पिएंगे तो एक जरूर से पिएगा, ऐसे पिलाने के बाद में तो थोड़ा बहुत जैसे कि 100-200-250-300 होने वाला होगा तो 150 होएगा, फिर भी अपना खाना खर्चे तो निकल जाता ही है। साथ में घर वाले रहते हैं आपके? घर वाले साथ में रहते हैं आपके? जी नहीं, वो तो गाँव में। आप अकेले यहाँ पे हो? मुंबई में कैसा लगता है आप? मुंबई में गाँव के जैसे अच्छे लगते हैं, बस यही फैमिली अपना नहीं है बस। लगाइए एक चाय हमारे लिए। कुछ इच्छा है कि दुकान खोलना चाहिए चायगा के लिए? जी कोशिश तो कर रहे हैं, अभी हो जाएगा तो अच्छी बात है। वो सलूट, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप ऐसा काम करते रहिए। हमारी दुआ है कि आपके ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं अपना आगे बढ़ते रहे,